हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और होली की शुरुआत हो गई है, तो मेरी होली की शुरुआत मेरे स्कूल से ही हो गई है। और इस बार होली का डेट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा था, कोई 7 को मना रहे थे, कोई 8 को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मेरे स्कूल में तो ये 2 को ही सेलिब्रेट हो गया था, क्योंकि बच्चों को फिर से छुट्टियाँ देनी थी। 2 के बाद बच्चे बहुत कम आने लगे थे स्कूल में, तो ये फ्लावर्स से होली हुआ हमारे स्कूल में। तो मेरी होली की शुरुआत तो 2 तारीख से ही हो गई है। ये देखिए मेरे स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इन्हें कलर नहीं दिया गया, तो ये फ्लावर्स हमने प्रोवाइड किया था। ये फ्लावर्स के पेटल्स के साथ बहुत इन्जॉय किए, और गाना डांस मस्ती के साथ इन्होंने होली सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसके बाद अब इनकी छुट्टियां होने वाली थी, हम मिलने वाले थे नहीं होली के। थोड़ा बहुत गुलाल से भी लगाया, और अब बारी थी होली के शॉपिंग की। तो इस बार होली मनाने मुझे मायके जाना था, मेरी मम्मी पापा भी यहीं पास के सोसाइटी में ही रहते हैं, यहाँ से 10 मिनट है मेरे भाई का घर। तो जाने से पहले 2 दिन पहले ये होली के शॉपिंग के लिए निकले थे हम लोग। बच्चों को लेना था पिचकारी, तो बिना पिचकारी के बच्चों के तो होली होते नहीं है। और इसके साथ इन्हें कुछ स्नैक्स भी चाहिए था, तो अभी शॉपिंग चल रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ है मार्केट में, काफ़ी भीड़ भाड़, बहुत लोगों का उत्साह तो देखने ही बनता है, फेस्टिवल्स में ही लोग दिखते हैं इस तरह से। तो हो गई है शॉपिंग। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम लोग मामा मामी के यहाँ होली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, सही बोला है सर ने, तो आज होली का दहन है, यानी कि आज ट्यूजडे है। और मेरे सोसाइटी से पास में ही है मेरे मम्मी पापा का सोसाइटी, भाई रहता है वहाँ, तो होली मनाने बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। और इसके पापा तो अभी ऑफिस गए हुए हैं, वो ऑफिस से ही वहाँ आएंगे, और दोपहर का टाइम हो गया है, हम तीनों अभी निकल रहे हैं। हेलो गाइस, होली मनाने, हैप्पी होली का दहन। तो हम लोग अब बाहर जाके मिलते हैं। हाँ, चलते हैं। और यहाँ होलिका दहन से शुरुआत है, तो 7 तारीख को हमारे यहाँ होलिका दहन हुआ था। तो होलिका दहन में पूजा किया जाता है, पहले पूजा होती है उसके बाद ही जलाया जाता है। तो ये देखिए कुछ लोग सोसाइटी के पूजा कर रहे हैं, इसके चारों तरफ धागा बांधते हैं, और अपने ढंग से हर परंपरा अलग अलग होती है, तो अपने ढंग से पूजा की जाती है। और अब देखिए होलिका दहन भी हो गया है यहाँ, ये हमारा होलिका दहन का आज का दिन बीत गया है। अब कल होली की तैयारी देखिए कैसे सेलिब्रेट करते हैं, होली देखते रहिए ब्लॉग, फिर आपको पता चल। तो होली तो कलर का फेस्टिवल है और खाने पीने का, तो खाओ पियो और इन्जॉय करो, यही होली है। तो देखिए सुबह की शुरुआत हुई है पकौड़े के साथ। तो होली में हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के जो भेज खाने वाले हैं उनके लिए पकौड़े तले जा रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी तो बन ही रहा है, ढेर सारे आइटम बन रहे हैं, ढेर सारे रेसिपी। ये देखिए दही बल्ले भी तैयार हो गए हैं, तो ये दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने थे इस बार होली में। तो हमारे यहाँ होली का मतलब होता है कि खूब मस्ती में खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कलर से इन्जॉय करो, तो हम ऐसे ही होली सेलिब्रेट करते हैं। तो अब दही बड़ा के बाद बारी है देखिए मेरी दूसरी रेसिपी, तो वो है चिकन। तो चिकन भी बहुत अच्छा बना था, और चिकन भी लगभग तैयार हो ही गया है। तो सुबह से तो पहले बनाने में ही लगे रहते हैं पूरी फैमिली, ये अलग अलग तरह के डिफरेंट रेसिपी बनती है। इसके अलावा मालपुआ भी बनाया गया था, तो अभी देखिए, और मालपुआ, पनीर और छोले भी तैयार हो गए हैं। तो अब कलर की तैयारी हो रही है, ये देखिए वाटर बैलून में पानी भरा गया है, कलर भर लिया गया है, और ये पूरा बकेट भर के वाटर बैलून तैयार किया है बच्चों ने। और बच्चे तो काफ़ी इन्जॉय करने के लिए मूड में आ गए हैं, ये इनका पिचकारी भी लगा रखे हैं, इसमें कलर भर लिया है, अब नीचे जाने के लिए हल्ला मचा रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं, सारा बाहर जा रहा है, फोटो ना कहला। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, ओ आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। इधर
हैप्पी होली डे। होली खेल के आ गए हैं, बहुत मस्ती किए हैं, अब चलते हैं नहाने। अब दोपहर का इंतजार है, दोपहर तो हो ही गई है, अब शाम में देखे कैसे मनाते हैं होली। मम्मी नहा ली है, जीजा जी आराम कर रहे हैं, पापा जी दीदी चाय बना के ला रही है। तो ठंड भी काफ़ी लग रही है, स्विमिंग पूल में बहुत पानी था और मैंने बहुत मस्ती की है। और ये नहीं गई है क्योंकि इन्हें किचन में कुछ काम था, चिकन बना रही है। मजा आया लेकिन होली के कुछ क्लिक्स जो फैमिली के साथ मैंने एंजॉय काफी दिनों बाद पूरे फैमिली के साथ एंजॉय किया है। दीदी है, भाई भाभी, मम्मी पापा, सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। होली कैसा बना है? बहुत टेस्टी। थैंक यू। कैसा बना है? लाजवाब। ये तो सही कमेंट, ये यूट्यूब लाइक कमेंट दी है, बहुत अच्छा क्या होता है लाजवाब। उससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। हाँ। उसका भी। और अब चाय की बारी है। चाय के बाद देखिए मेरा भाई कुछ हमारे यहाँ होता है होली के गीत गाए जाते हैं, तो यहाँ तो गांव है नहीं, तो यहाँ खुद ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और अभी सबका दोपहर का खाना हो रहा है और हम भाई बहन अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये खा के उठे फिर हम खाएंगे। गुरु जी ठीक रहे। मम्मी जी नहीं खाएं। मम्मी जी नहीं खाएंगे। खा ले। मस्त बना है। मामी कैसा है? और अब बारी है थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स का, कुछ ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स का। गर्मी भी लग रही है, अभी वैसे गर्मी आया नहीं है लेकिन कलर से एंजॉय करने के बाद, नहाने के बाद भी गर्मी लग रही है। तो अब खाने के बाद हम लोग अपना कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं फुल फैमिली। तुम लोग
अच्छा हम ले लो तुम तुम कहा ले गए अम्मी दीदी तो पीछे नजर ही मम्मी खिला लेती है अच्छा खा के पियो और अब शाम का इंतजार है शाम में हम लोग बाहर निकलेंगे तो शाम में हमारे यहाँ होली मिलन होता है इसमें हम लोग अभी तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं एक और थोड़ा थोड़ा सा और चलो कौन सा लिया चॉकलेट ब्लू लगी चलो केसर कुल्फे हाँ वही ले जकरा जल खाए को नहीं खा वही तो बोल रहे हैं तो ये तो वीडियो है ये वीडियो के बाद फोटो लेते हैं आग खुल गया नहीं दिख रहा है क्या ऐसे तो सुन तो सवाल ही कर रहा है मतलब रुलाई दिख नहीं रहा है जब तक ऊंचा से जब ऊंचा से अंगूर में डाल दिया मीठा हो जाए है तो भी एक किलो अंगूर लेकर सोने का काम है बगल गुड नाइट अब होली हो गया अब सोने का टाइम हो गया होली अच्छे से बीता हमारा और अब कोई सोने की तैयारी में है ये पानी पिया जा रहा है यहाँ अलग बेड लगा है वहाँ फुल फैमिली का बेड लगा है यहाँ जीजा जी का बेड लगा है लोड होके मिटा और होली बहुत अच्छे से रहा फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और ये देखिए भाई थक गया है अब इसके सर की मालिश किया जा रहा है तो ये साहिल इनका मालिश करने में लगे हुए हैं और अब सब कोई अपना अपना बॉटल भर के सोने की तैयारी में लग गए हैं कब रिमूव हो रहा है नहीं हो गया सारा हमारा होली बहुत ही अच्छे से बीता सबके साथ कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा अपने बेटियों के साथ बहू के साथ है अपना बच्चा लोग के साथ है बेटा के साथ है बहुत अच्छा रहा हमारा इस बार का होली यादगार रहा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें गुड नाइट भाभी गुड नाइट गुड नाइट भाई गुड नाइट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस मोस्ट वेलकम तो अब कुछ और क्लिक्स हैं जो होली के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसे ही मैं नए नए ब्लॉग लेके आती रहूँगी और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्लिक्स आए हैं तो यही सब यादगार पल रह जाता है होली के जो फैमिली के साथ तो मेरी छोटी सिस्टर यहाँ नहीं थी वो कनाडा में है तो उसने भी अपना पिक भेजा और मैंने उसे भी शेयर कर रही हूँ मैं ताकि फुल फैमिली का एक वीडियो बन जाए और नेक्स्ट डे हम लोग आ गए हैं KFC में तो दो दिनों तक भाई के यहाँ रुकना था तो होली के बाद के शाम वही हम लोग KFC एंजॉय कर रहे हैं तो बस यूं ही ब्लॉग देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड हैप्पी होली वंस अगेन आप सभी को आप अपना एंजॉयमेंट कैसा रहा आपका होली शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और बस यू ही देखते रहिए मेरे वीडियो थैंक यू हैप्पी होली बाय